आपका हम 28 से 29 लाख रुपए लेंगे और डन बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगवाएंगे और आपका वहाँ जाके सारे मामला जितने भी हैं, कार्ड बनेगा, काम है, सब कुछ आपको करके की वैल्यू ये है। आपके पास काम है, रोमानिया के अंदर लीगल है, पाकिस्तान वापस आ जा सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, वो रोमानिया के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। परमानेंट आपको रोमानिया का यूरोप का लाइसेंस दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान से लेकर रोमानिया तक और रोमानिया से फिर यूरोप तक बहुत से लोगों ने ये सफ़र किया है। चंद ही सालों के अंदर बहुत से लोगों ने वीज़े हासिल किए हैं और रोमानिया से फिर यूरोप के अंदर अपनी मंजिलों के ऊपर पहुँचे हैं और आज यहाँ आकर बहुत से लोग रोज़गार कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। इसी तरह अभी इस वक्त जो 2024 का लास्ट चल रहा है, अक्टूबर का महीना और आगे 25 आने वाला है, बहुत से लोगों के ये सवाल हैं कि भाई हम रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें कितने का वर्क वीज़ा मिल जाता है, और उसके बाद ये है जी हम रोमानिया से आगे यूरोप में कैसे जा सकते हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि यार रोमानिया से आगे आके हमारे फिंगर्स का इशू बनेगा, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बहुत से लोगों के ये सवाल हैं। देखें, आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि पाकिस्तान से रोमानिया का जब वर्क वीज़ा स्टार्ट किया गया था तो पाकिस्तान से तकरीबन 3 से 4 लाख के अंदर वर्क वीज़ा दिया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते विद इन 2 ईयर्स, 2 सालों के अंदर रोमानिया का वर्क वीज़ा यहाँ तक के 20-22 लाख तक पहुँच चुका है। अब इसमें वर्क वीज़े के अंदर कैटेगरीज आ चुकी हैं पाकिस्तान से। बहुत से लोग हैं जो दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, लोग स्टिल आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान भाई एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर बंदा कहता है कि मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। तो भाई इस वक्त पाकिस्तान से अगर कोई आपका अपना रोमानिया के अंदर सेटल है, जो कि मुझे भी बताया गया एक दोस्त है, वो अपने भाई का अप्लाई कर रहा है, आपका लगता है 6 से 7 लाख रुपया वर्क वीज़े का। अगर आपका अपना नहीं है, आप किसी एजेंसी के साथ बात करते हैं, किसी भी अदारे के साथ बात करते हैं, वो आपसे लेते हैं 18 से 19 लाख रुपये, 20 लाख रुपये। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर ये बात करते हैं जी आपका हम 28 से 29 लाख रुपए लेंगे और डन बेस के ऊपर आपका वीज़ा लगवाएंगे और आपका वहाँ जाके सारे मामला जितने भी हैं, कार्ड बनेगा, काम है, सब कुछ आपको करके देंगे। ये 3 कैटेगरी इस वक्त पाकिस्तान से। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 4 महीनों के अंदर वीज़ा निकल आता है, और वैसे 4 महीने से लेकर 7, 8, 9 महीने, साल भी लग रहा है, 1 साल के अंदर आपका वीज़ा निकल आता है। ठीक है, क्या क्या चाहिए? आईडी कार्ड चाहिए और आपका पासपोर्ट चाहिए। आपको इसके अलावा इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आपका इंटरव्यू होता है, आपने उस इंटरव्यू के अंदर अपनी सिलेक्शन करवानी होती है। अब इसके बाद ये चीज़ है जी, आप रोमानिया के अंदर आकर काम कौन कौन सा कर सकते हैं। कंपनीज हैं इस वक्त रोमानिया के अंदर, एजेंसीज हैं जो आपको काम देती हैं। काम अब एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, काम कंस्ट्रक्शन का है, काम वेल्डिंग का है, काम डिलीवरी का है। ये 3-4 कैटेगरी हैं जिनके अंदर काम है। और रोमानिया के अंदर इस वक्त सैलरी क्या है, 800 से 900 यूरो सैलरी निकल आती है। अगर कोई बंदा ज़्यादा मेहनती हो, हार्ड वर्किंग करता हो, तो वो यहाँ पर 1200 तक भी कमा सकता है, 1100-1200 तक भी कमा सकता है, डबल हार्ड वर्किंग करके। अब रोमानिया के TRC कार्ड की वैल्यू क्या है? आप जब पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से रोमानिया के लिए आ रहे हैं, जितने का भी आपने वीज़ा लिया है, बेसिकली हर किसी का यही फोकस है कि हम रोमानिया से आगे चले जाएंगे बड़े कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन किसी भी कंट्री के अंदर। तो TRC की वैल्यू सबसे पहले आप दोस्तों को बताता जाऊँ, इस TRC की वैल्यू ये है, आपके पास काम है, रोमानिया के अंदर लीगल है, पाकिस्तान वापस आ जा सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, वो रोमानिया के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। परमानेंट आपको रोमानिया का यूरोप का लाइसेंस दे दिया जाता है। उसके बाद आप रोमानिया के TRC कार्ड के ऊपर यूरोप का कोई भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पक्का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आप डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा लेते हैं, बड़े डॉक्यूमेंट्स आपको 5 साल के मिल जाते हैं, तो आप रोमानिया से किसी भी अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि UK है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है, पाकिस्तान से बहुत से लोग, ज़्यादातर अक्सरियत के अंदर लोग आते हैं और लोग यहाँ आकर रोमानिया के अंदर TRC कार्ड हासिल करते हैं, फिर इसके बाद लोग निकल जाते हैं आगे यूरोप की तरफ। यूरोप में इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल तो था पहले, लेकिन अभी नहीं, अभी वहाँ पर कोई सीन नहीं है। इसके अलावा लोग दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी निकल जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त रोमानिया के अंदर ही सेटल हैं। और रोमानिया के अंदर रहने का फ़ायदा क्या है? रोमानिया के अंदर रहने का ये फ़ायदा कि यार देखो, आप गए हो रोमानिया में, जाके सेटल हुए, काम ढूंढा या अपनी कंपनी बना ली है, वहाँ से फिर आप अपने भाई को, अपनी फैमिली को आप बुला सकते हो।
और ईज़िली रोमानिया के इस अभी भी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है और बेहतरीन निज़ाम है, ईज़िली आप बुला सकते हो। विद इन 4 मंथ, 4 महीनों के अंदर आपका वीज़ा निकल आता है और उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट लेते हो एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप में अपनी फैमिली को बुला सकते हो। मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ टाइम लगता है। याद रखें, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं 4 महीनों से ले कर 8, 9, 10 महीने, 1 साल लग सकता है आपको वीज़े के अंदर। तो भाई ये थी इंफॉर्मेशन आज की, मैंने सोचा आप दोस्तों को बताते जाएँ कि रोमानिया के वर्क वीज़े दुनिया भर से लग रहे हैं, लोग अभी भी आ रहे हैं और पाकिस्तान से भी लोग, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट कोई भी आपको अपडेट आएगी, कोई भी हमें अपडेट मिलती है तो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।